हमने जो किया अभी तक वो उसके अंदर जो हमारा जो लास्ट टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था हमारा पोटेंशियल बैरियर। अब पोटेंशियल बैरियर जो अभी हमने किया वो क्या किया था कि मेरे पास में हमने एक इस तरह का बैरियर बनाया था जिसकी हमने कांस्टेंट हाइट ली थी, और इस कांस्टेंट हाइट के ऊपर हम ये मान के चल रहे थे कि एक पार्टिकल आके इसे टकरा रहा है, और जब वो पार्टिकल आके इसे टकराता है तो हम ये फाइंड कर रहे थे कि यहाँ पर पार्टिकल आएगा या नहीं आएगा, यहाँ पर पार्टिकल के पहुंचने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्या पार्टिकल यहाँ पर आएगा या नहीं आएगा, हमने वो चेक किया था। कंडीशंस हमने यहाँ पे चार कंडीशंस काम में ली थी अलग अलग, और वो कंडीशंस कौन कौन सी थी। पहली कंडीशन थी व्हेन ई इज लेस देन वी नॉट, पोटेंशियल वेरियर की हाइट से कम हो। दूसरा व्हेन ई इज इक्वल टू वी नॉट, ई और वी बराबर हो जाए। तीसरी कंडीशन When E is greater than V naught, तब क्या होगा। और इन तीनों कंडीशन के अंदर जो T जो हमारा आया वो 0 is less than T is less than 1, यानी कि ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी तो है, ट्रांसमिशन होगा, लेकिन वो 100% नहीं होगा कि हर बार पार्टिकल ट्रांसमिट कर जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में रहती है। हाँ, चौथी जो हमने कंडीशन की थी कि वो कौन सी कंडीशन है कि जब पार्टिकल 100% ट्रांसमिशन कर जाएगा, तो वो कंडीशन हमको क्या मिली, यहाँ पे जो ये इसकी विड्थ है वो विड्थ अगर एन लैम्डा के बराबर हो जाए, एन लैम्डा बाई 2 के बराबर हो जाए, तब मेरा यहाँ पर ये ट्रांसमिशन 100% होगा। 100% ट्रांसमिशन T इज इक्वल टू 1 की कंडीशन क्या है, व्हेन A इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई 2। और दूसरा भी मैं इसको कह सकता हूं, क्या लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2a बाई n के बराबर हो, यानी कि जो मेरा इंसिडेंट पार्टिकल है उसकी एनर्जी, जब लैम्डा मुझे मालूम है तो मैं एनर्जी निकाल सकता हूं, एनर्जी क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू h न्यू, और आई कैन राइट h c बाई लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू मैं ये पुट कर लेता हूं तो क्या हो जाएगा h c अपॉन n, और 2a नीचे है तो 2a ऊपर आ गया, है ना, मल्टीप्लाइड बाई 2a। अब अगर मेरे पास में पार्टिकल की एनर्जी h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, c वेलोसिटी ऑफ लाइट, मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई a जो आपका जो पोटेंशियल बैरियर है इसकी हाइट के बराबर, और जो भी कॉम्बिनेशन आ रहा है नीचे डिवाइड किससे कर रहा हूं, n से, n तो हमारे पास न्यूमेरिक नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल, ये अगर एनर्जी है, इस एनर्जी का पार्टिकल है, तो वो पार्टिकल आराम से बिना किसी डिफ्लेक्शन के 100% ट्रांसमिट कर जाता है। रेस्ट केसेस के अंदर पार्टिकल 100% ट्रांसमिट नहीं करता है। और यहीं से हमारी नेक्स्ट एक फिजिक्स स्टार्ट होती है, क्वांटम फील्ड थ्योरी, और इसके साथ में एक और हमारी चीज स्टार्ट हो जाती है। ये तो अभी हमने क्या लिया है, सिर्फ एक बैरियर लिया है, ठीक है। अब एक बैरियर के पास में अगर मैंने एक बैरियर और लगा दिया, यहाँ पर अब मेरे पास में एक बैरियर नहीं है, अब मैंने क्या किया, खूब सारे बैरियर लगा दिए, लाइक एक बैरियर ये हुआ, फिर एक और बैरियर हो गया, फिर एक और बैरियर हो गया, तो इस ढंग से मेरे पास अगर खूब सारे बैरियर हैं, तो उस केस में क्या पार्टिकल पहले बैरियर से दूसरे बैरियर में जाएगा, दूसरे से तीसरे पे जाएगा, चौथे पे जाएगा, इनका इफेक्ट क्या रहेगा, वो हमारी एक अलग एडवांस क्वांटम फिजिक्स आ जाती है, एडवांस स्टडीज आ जाती है, जो कि अभी हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप क्वांटम में रहते हो तो आप, और यहीं से हमारा अब एक नया सिस्टम डेवलप होता है, वो अब मैं इनको अगर ये मान लूं कि ये मेरे ये सारे सारे जो मैंने बनाए ये मेरे एटम्स हैं, है ना, लाइक यहाँ पे ये मेरा एक एटम, ये एक मैंने एटम बनाया, ये दूसरा मेरा एक एटम, ये तीसरा मेरा एटम, इस तरह से एटम्स रखे हुए। अब इन एटम के ऊपर से इन एटम्स मेरे रखे हुए, ये तीन मेरे पास में एटम्स रखे हुए हैं, इन एटम्स के ऊपर से मेरा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन एटम्स की एनर्जी से ज्यादा है, मैं सिस्टम के अंदर बात कर रहा हूँ, उस मेरे मेटल है, उस मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो क्या इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर से निकल जाएगा, क्या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन एटम्स से ज्यादा है, लेकिन फिर भी क्या इलेक्ट्रॉन ऊपर से सीधा निकल जाएगा, या उसको ये एटम्स कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, उसमें उसकी टनलिंग को रोकेंगे, ये एडवांस फिजिक्स में आ जाता है, जो कि अभी फिलहाल मेरे मतलब जो आप लोग पढ़ रहे हो उसके कोर्स में नहीं है, अदरवाइज मैं इसको भी हम स्टडी करते हैं। और यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन में क्या इफेक्ट आएगा,
ये हमें हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप आगे करते हो तो बहुत अच्छी चीज है, ये क्वांटम फील्ड थ्योरी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। देन नेक्स्ट, अब मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, इसका रियलिस्टिक एग्जांपल क्या ऐसा होगा, ये जो कह रहे हैं ये कुछ बात होगी कि मीन्स पार्टिकल ट्रांसफर टनल कर जाएगा, पार्टिकल दूसरी तरफ आ जाएगा, कब आ जाएगा, जब पार्टिकल की एनर्जी ई इज लेस देन वी नॉट है, बैरियर की हाइट से कम है, तब भी पार्टिकल दूसरी तरफ चला जाएगा। और सिंपल लैंग्वेज में अगर इस बात को कहूं, मेरे सामने ये जो दीवार है बोर्ड वाली दीवार, ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग दीवार है, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, मैं इस पे कितनी बार जोरदार से टकराऊं ये दीवार मैं नहीं तोड़ सकता हूं। लेकिन न जब मैं नहीं तोड़ सकता हूं, मतलब मैं इसको क्रॉस करके दूसरी साइड नहीं जा सकता, तब यहां पर क्या कह रहा है क्वांटम, जा सकते हैं, मेरे चांस हैं, मैं इस दीवार पे अगर एक बार दो बार 50 बार 5 लाख बार 5 करोड़ साल बार तक आगे मैं टकराता रहूंगा तो देयर इज अ वन सर्टेन चांस कि मैं दूसरी साइड चला जाऊं। ये कहती है क्वांटम फिजिक्स की टनलिंग इफेक्ट, टनलिंग इफेक्ट यही कहता है। इसका रियलिस्टिक एग्जांपल कौन सा है, दो तीन एग्जांपल है, मुझे दो याद आ रहे हैं अभी, मैं दो को लिखता हूं। पहला एग्जांपल अल्फा डीके। अब देखिए क्या है कि आपका जो कोर्स सिलेबस जो है ना, सिलेबस में सिर्फ इतना सा वर्ड लिखा हुआ है पोटेंशियल बैरियर, ये नहीं लिखा हुआ है पोटेंशियल बैरियर को किस डेप्थ तक जाना है, तो इसलिए मैं इसको ज्यादा डिटेल में तो बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ एक बार आपको आइडिया तो लगे कि हो क्या रहा, हम क्यों कर रहे हैं सारा। अल्फा डीके फ्रॉम रेडियो एक्टिव, अब अल्फा डीके रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव एलिमेंट आप जानते हो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं, जिनमें से अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल और गामा रे का इंस्टेंटेनियसली इंस्टेंटेनियस होता है एंड रैंडम होता है, जो प्रोसेस होता है वो इंस्टेंटेनियस होता है, ऐसा नहीं है कि मींस है ना मतलब उसके ऊपर आप उसको फोर्स लगा रहे हो, उसके ऊपर कोई आपने गर्म किया तब उसमें से अल्फा पार्टिकल निकलेगा या बीटा पार्टिकल निकलेगा, या आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तब होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो प्रोसेस इंस्टेंटेनियस होता है एंड रैंडम प्रोसेस होता है। ये भी नहीं है कि आना मतलब उसमें जो एक अल्फा पार्टिकल निकला आधे घंटे बाद दूसरा निकलेगा फिर आधे घंटे बाद तीसरा निकलेगा, नहीं रैंडम है, हो सकता है एक साल तो चार निकल जाए फिर दो साल तक निकले ही नहीं, फिर बाद एक साल और एक निकल जाए फिर अगले दिन ही एक निकल जाए, तो प्रोसेस रैंडम होता है। और हमारा अल्फा पार्टिकल की मैं जब बात कर रहा हूँ, अल्फा पार्टिकल बेसिकली है क्या, अल्फा पार्टिकल होता है हमारा 2HE4, अल्फा जो पार्टिकल है वो 2HE4 दैट इज 2HE4 जो हमारा हीलियम है, हीलियम का न्यूक्लियस है, हीलियम का न्यूक्लियस है, दैट इज बेसिकली अल्फा पार्टिकल क्या है, इट इज अ टू प्रोटॉन्स, दो प्रोटॉन्स है, और ये दो प्रोटॉन्स कहां से निकलेंगे, जब मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं मेरे पास में एक न्यूक्लियस में बना लेता हूं और ये न्यूक्लियस की चारों तरफ क्या है मेरे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है मेरे पास है खूब सारे इसके अंदर प्रोटॉन्स पड़े हैं, न्यूट्रॉन्स भी पड़े हैं, प्रोटॉन्स भी पड़े हैं, सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, सारे प्रोटॉन्स आपस में अंदर एक साथ में क्यों बाइंडेड है, यहाँ पे क्यों बंधे हुए हैं, क्योंकि इनके ऊपर क्या हो रहा है स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, जिसके कारण सारे प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर बंधे हुए हैं, ठीक है, न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकल पा रहे। और क्या हो रहा है रेडियो एक्टिव डीके के अंदर होता क्या है, अल्फा डीके के अंदर होता क्या है, इसमें से दो प्रोटॉन बाहर आ रहे हैं, अब ये दो प्रोटॉन कोई भी दो प्रोटॉन यहाँ से ये दो प्रोटॉन मैंने लिए, ये दो प्रोटॉन बाहर आ जाते हैं एज अल्फा पार्टिकल। कैसे बाहर आ जाएंगे भैया, जब आपके पास में पूरा वो स्ट्रांगली बंद है, मजबूत है, अब जो अल्फा पार्टिकल बाहर आ रहा है उसकी एनर्जी ऑलमोस्ट 5.657 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है, इसकी एनर्जी करीब करीब 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, ठीक है, और जो यहाँ पर इसको जो पोटेंशियल जो मिलता है, यहाँ पे पोटेंशियल मतलब जो न्यूक्लियस की बाउंड्री है, न्यूक्लियस की बाउंड्री पर जो पोटेंशियल मिल रहा है, न्यूक्लियस की बाउंड्री पे पोटेंशियल कहां से मिलेगा, न्यूक्लियस की बाउंड्री पे पोटेंशियल मिलेगा कि जो रिमेनिंग जो
अल्फा पार्टिकल है वो क्या करेंगे, उस पार्टिकल को बाहर नहीं जाने देंगे, उसको अपनी तरफ अंदर खींच के रखेंगे, वो बाहर जाएगा नहीं। तो वहां पे पोटेंशियल कितना लग रहा है, तो वो पोटेंशियल, इसको मैं साफ कर दूं पूरा या लिखोगे? थोड़ा सा रुकिए सर। हाँ आज थोड़ा सा ज्यादा क्लियर दिख रहा होगा, यस सर, है ना? ठीक है, यस सर, ठीक है, इम्प्रूव कर रहा हूँ भाई धीरे धीरे। मेरा हो गया सर। ठीक है, यस सर, ठीक है। तो अब मैं ये जो अल्फा पार्टिकल की जब मैं बात कर रहा हूं, तो न्यूक्लियस से यहां पर जो पोटेंशियल जो डेवलप हो रहा है वो पोटेंशियल कितना होगा? फॉर एग्जांपल मैं मान लूं कि ये जो मेरा एटम है इसका एटॉमिक नंबर जेड है, ये जो मैं एटम ले रहा हूं इसका एटॉमिक नंबर मेरे पास में Z है, ठीक है। जब Z एटॉमिक नंबर है तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे Z इसके अंदर प्रोटॉन्स अवेलेबल है, ठीक है। तो जैसा हम जानते हैं, अगर मेरे पास दो प्रोटॉन्स है, दो पार्टिकल, दो चार्ज चीज है, प्लस चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, और एक और आपके पास प्लस क्यू चार्ज है, या एक ही चार्ज है, तो इसके ऊपर पोटेंशियल क्या होता है, वी इक्वल टू के क्यू बाई आर, ये होता है हमारा पोटेंशियल, ठीक है। अगर मेरे पास में क्या कहे मैं इसको, यहाँ पे एक प्लस चार्ज और इसके कारण r डिस्टेंस पे जो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल के क्यू बाई आर के बराबर होता है, ये होता है। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या है, हमारे केस में जो पोटेंशियल हुआ कहाँ पर, इसकी बाहर रेडियस पर, इसकी r डिस्टेंस पर रेडियस पर पोटेंशियल कितना हुआ, तो वो हुआ के क्यू। क्यू कितना हुआ इसका, इसके अंदर जो हमारे प्रोटॉन्स है वो कितने हैं, दो प्रोटॉन बाहर निकल गए, दैट टोटल थे जेड माइनस टू, जेड माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई, जेड माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई क्यू, चार्ज कितना है ई के बराबर, डिवाइड बाई आर, ये मेरा पोटेंशियल हुआ। अब ये पोटेंशियल R पे डिपेंडेंट है ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, R पे। जैसे जैसे R बढ़ेगा पोटेंशियल घटेगा, लेकिन पोटेंशियल मैक्सिमम कहां पर है, पोटेंशियल मैक्सिमम है बाउंड्री पर, इसकी न्यूक्लियस की बाउंड्री पर, न्यूक्लियस के अंदर पोटेंशियल नहीं है, अंदर तो ये क्या है, अंदर ये सारे सारे इलेक्ट्रॉन फ्री, सारे सारे जो प्रोटॉन्स हैं वो यहाँ पर फ्री प्रोटॉन्स हैं, अंदर कोई भी इसके अंदर फ्री पार्टिकल्स हैं, अंदर कुछ भी इनके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है, अंदर ये फ्री है, अंदर आराम से घूम सकते हैं, लेकिन जैसे वो बाउंड्री पर पहुंचेंगे तब उनको पोटेंशियल मिलता है, और एट द बाउंड्री पोटेंशियल कितना है, वो मैक्सिमम पोटेंशियल है एट बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियस, क्या होगा, R को रिप्लेस कर दो R नॉट से, जो इसकी रेडियस है, R नॉट रेडियस, रेडियस से रिप्लेस कर दो, तो वो हुआ मैक्सिमम पोटेंशियल, V मैक्सिमम विच इज इक्वल टू K Z माइनस टू E अपॉन R नॉट, ये मेरा मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, ठीक है। अब कहां पर, बाउंड्री पर, तो अगर मैं इसका पोटेंशियल बनाना चाहूं, पोटेंशियल ग्राफ, तो वो ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ पर इसको और ये यहाँ, मीन्स इधर मेरे पास में इस तरह से लाइन आई, इधर ये पोटेंशियल आया, दोनों तरफ पोटेंशियल मैक्सिमम है, और
अब जैसे ही यहाँ से इस बाउंड्री से बाहर की तरफ जा रहे हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या है, डीके करेगा। इधर भी पोटेंशियल क्या है, डीके करेगा। पोटेंशियल घटेगा, पोटेंशियल किस रेट से घट रहा है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, 1/r से दोनों तरफ पोटेंशियल मेरा कम होगा। दोनों तरफ v अपॉन r से v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी पोटेंशियल घटेगा। और यहां पर क्या है, फ्री है, फ्री पार्टिकल मीन्स यहां पर पोटेंशियल कितना है, जीरो पोटेंशियल है। अब देखो अंदर जीरो पोटेंशियल है लेकिन दोनों तरफ पोटेंशियल आ रहा है, तो अल्फा पार्टिकल अंदर फ्री है। जब अंदर वो अल्फा पार्टिकल फ्री है तो अल्फा पार्टिकल क्या करेगा, आराम से मूव करेगा, घूम सकता है। अल्फा पार्टिकल वॉल की तरफ जाएगा, टकराएगा, टकराने के बाद है वापस अंदर आ जाएगा, टकराने के बाद है ये वापस अंदर आ जाएगा, फिर इस वॉल से टकराएगा, इस वॉल से टकराने के बाद है वापस उधर जाएगा। तो अंदर आराम से वो इसके पीछे फ्लोट कर सकता है। अल्फा पार्टिकल मीन प्रोटोन, तो प्रोटोन यहाँ पे आराम से न्यूक्लियस के अंदर फ्लोट कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे देखो एक चीज और ध्यान रखो, हाँ मैं यहाँ पर अभी न्यूक्लियस, जैसे हमने एनर्जी लेवल्स इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स बनाए हैं, वैसे ही प्रोटोन के भी एनर्जी लेवल्स होते हैं, प्रोटोन की भी अलग अलग एनर्जी लेवल्स है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिलहाल ये बात चल रहा हूँ क्योंकि अभी तक हमने वो पढ़ा नहीं है ना, जब हम पढ़ेंगे तब मैं इसको अलग अलग इनके एनर्जी लेवल्स भी बात करूंगा। फिलहाल मैं मान के चल रहा हूँ कि सारे प्रोटॉन्स एक साथ में एक ही कमरे के अंदर बंद है, खूब सारे प्रोटॉन्स एक कमरे में बंद है, इस कमरे में बंद है, अंदर फ्रीली घूम सकते हैं और वो बार बार दीवार से टकरा रहे हैं। जैसा कि इस रूम के अंदर या आप जहाँ बैठे हो वहां पर भी क्या हो रहा है, वहां की जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो एयर मॉलिक्यूल्स दीवार से टकरा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद वापस आके दीवार से टकरा रहा है, फिर वापस जा रहा है, तो इस तरह से फ्लोट कर रहे हैं हवा के अंदर, एयर पार्टिकल फ्लोट कर रहे हैं। उसी तरह से ये जो प्रोटॉन्स है वो फ्लोट कर रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं। अब इन यहाँ पर जो टकरा बार बार टकराते रहते हैं वॉल से, जब बार बार टकरा रहे हैं तो जो उनकी प्रोबेबिलिटी है, अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी है वो इस बेरियर की हाइट से बहुत कम है। अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी निकाली थी, ये मैंने एक पोलोनियम के लिए है, ये एनर्जी पोलोनियम कितना होता है, 257 होता है, एक्जेक्टली मैं सारा भूल चुका हूँ, पोलोनियम 257 या 256 है, उसके लिए हम बात कर रहे हैं, याद नहीं भाई 83 है क्या है याद नहीं है मुझे, ये गलत भी हो सकता है, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं इस पोलोनियम के लिए बात करता हूँ तो इसके लिए अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 6.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। अब यहाँ पर मैं अगर Z की वैल्यू रख देता हूँ और पोलोनियम के लिए इसकी कैलकुलेट करता हूँ तो इस हाइट जो आ रही है बैरियर की हाइट, ये हाइट जो बैरियर की हाइट है वो करीब करीब 25 और 27 तक जाती है, 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की दीवार है, 25 फिट हाइट की दीवार है। और मेरी हाइट कितनी है, 6 फिट, मैं 6 फिट का आदमी हूँ और 25 फुट की दीवार है, मुझे उस 25 फिट की दीवार को क्रॉस करना है तो कोई चांसेस नहीं है। क्लासिकल थ्योरी यही कहती है कि देयर इज नो चांस कि अल्फा पार्टिकल इसमें से बाहर आ जाएगा, अल्फा पार्टिकल कभी बाहर नहीं आ सकता है क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से। क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है, हमारे पास मैं मानता हूँ कि पोटेंशियल बैरियर 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, यहाँ पर बैरियर 25 इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, लेकिन फिर भी उसमें से इस अल्फा पार्टिकल के बाहर आने के चांसेस हैं, अल्फा पार्टिकल बाहर आ सकता है, ये अल्फा पार्टिकल बाहर आएगा। लेकिन अभी अल्फा पार्टिकल तो बाहर आएगा, ये अभी हमने पहले भी देख लिया कैसे इसके जो बाहर आने का जो ट्रांसमिशन है 0 is less than t is less than 1, ये कंडीशन थी, ट्रांसमिशन होगा लेकिन ये ट्रांसमिशन सर्टेन नहीं है, ये ट्रांसमिशन खुद कह रहा है कि सर्टेन नहीं है। अगर t की वैल्यू 1 के बराबर होती, t = 1 अगर होता तो सर्टेन था, तो सर्टेन था कि हर चांस में इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, जब भी प्रोटॉन टकराएगा हर बार प्रोटॉन बाहर आएगा, और अगर हर बार प्रोटॉन बाहर आता तो कभी भी न्यूक्लियस की एग्जिस्टेंस ही नहीं होती, है ना। जब सारे प्रोटॉन बाहर आ सकते तो जब t = 1 होता, तो वो कंडीशन तो है ही नहीं। कंडीशन क्या है, ये कंडीशन तो है ही नहीं, कंडीशन क्या है, 0 is less than t is less than 1, यानी देयर इज सम सर्टेन चांसेस
बाहर आ सकता है, देयर इज अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी क्या है? लाइक प्रोबेबिलिटी मान लीजिए मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है 0.1, तो 0.1 प्रोबेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि 10 चांस अगर होते हैं तो 10 में से एक, वो एक पहला भी हो सकता है, वो एक आखिरी भी हो सकता है। और इसका ये भी मतलब है कि 10,000 में से 10,000 अगर चांसेस हैं तो 10,000 10 में से एक है तो 10,000 में से 1,000 बार बाहर आएगा, है ना। अब वो 1,000 बार बाहर आने का कौन सा, पहले 1,000 में से 1,000 बार बाहर आएगा या कब आएगा, ये हम नहीं कह सकते, ये अनप्रिडिक्टेबल है। इसीलिए ये प्रोसेस क्या है, रैंडम डीके है। दिस शोज रैंडम डीके, रैंडम एमिशन, रैंडम डीके, ये रैंडम डीके है। हम सर्टेनली नहीं कह सकते कब आएगा बाहर, क्यों, क्योंकि टी हमारा 10 में से एक हो सकता है, 10,000 में से 1,000 चांस, कौन से वाले 1,000 चांस हमें नहीं मालूम, पहले 1,000 चांस है या बीच वाले 1,000 चांस है, कौन से हमें नहीं मालूम। इसलिए ये प्रोसेस रैंडम प्रोसेस है और इसी कारण अल्फा डीके होता है। अल्फा डीके का कारण क्या है, टनलिंग हो रही है, क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। और क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग क्यों हो रही है, क्योंकि जो जो हमारा अल्फा पार्टिकल है वो बेसिकली क्या है, उसके साथ में श्रोडिंगर वेव, मैटर वेव एसोसिएटेड है, और वो मैटर वेव पास करके दूसरी साइड में गई तब हमको अल्फा पार्टिकल मिलता है। ये है पूरी चीज, क्लियर। अब आप अपने हिसाब से इसको और लिख लीजिए। ये इसका रियलिस्टिक एग्जांपल है जो होता है वास्तव में, और इसी को अगर आप समझते हो ना, अगर थोड़ा समझ लेते हो तो आपको क्वांटम की जो डीपनेस है वो समझ में आ जाती है कि क्वांटम कितना किस हद तक अंदर तक जाती है, किस हद तक चीजों को क्लियर करती है। हम इसको आगे, क्योंकि अब कोर्स हम एग्जैक्टली डिफाइन नहीं है कितना कर रहा है, अदरवाइज फिर है ना हम इसकी जब हमको बी मालूम पड़ गया। अच्छा एक चीज और देखो, ये जो पोटेंशियल है ये पोटेंशियल भी हमारा कांस्टेंट विड्थ का नहीं है, जो हमने कैलकुलेशन की थी वो कांस्टेंट विड्थ का पोटेंशियल था, ये पोटेंशियल कांस्टेंट विड्थ का नहीं है, इसकी हाइट सॉरी कांस्टेंट हाइट का नहीं है, इसकी हाइट वेरी कर रही है, इसकी हाइट वेरी कर रही है। और जब इसकी हाइट वेरी कर रही है तो मेरा जो कल जो हमने फॉर्मूला निकाला था पोटेंशियल बैरियर, कल जो हमने फॉर्मूला निकाला था, केस हमारा क्या हुआ इस केस में, E इज लेस देन V नॉट, जो पोटेंशियल हमने जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकाला था T इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस V नॉट स्क्वायर अपॉन 4E V नॉट माइनस E साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा A। ये फॉर्मूला तब वर्क करता है जब मेरे पास में कांस्टेंट हाइट का पोटेंशियल हो, कांस्टेंट हाइट पूरा हाइट बराबर है, तब तो मेरा ये पोटेंशियल वर्क करता है। अब मेरा यहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट हाइट का नहीं है, पोटेंशियल कंटिन्यूअसली डिकेइंग है, डिक्रीजिंग है, दोनों तरफ डिक्रीजिंग है। तब अब मैं पहली बात तो बैरियर कहां तक लूं, कहां तक मैं इस बैरियर को कंसिडर करूंगा, तो उस केस में लिख लूं मैं, कर दूं, करूं आगे और या आप लिखोगे? हो गया सर, मेरा हो गया। ठीक है ठीक है, तो यस सर हो गया। हाँ ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे हम बैरियर कहाँ तक का लेंगे, क्या पूरे पूरे को हम बैरियर मान लें, तो पूरा बैरियर मानते हैं तो बैरियर तो मेरा इन्फाइनाइट तक जा रहा है, इस तरह से है तो बैरियर मेरा अगर मैं पूरा पूरा लेता हूँ तो इन्फाइनाइट तक जा रहा है। कहाँ तक मैं बैरियर लूँ, तो बैरियर मैं वहां तक लूंगा न्यूक्लियस की यहाँ आर नॉट से स्टार्ट हुआ, जहां पर अल्फा पार्टिकल बाहर निकल गया, अल्फा पार्टिकल अगर इस पॉइंट से, अल्फा पार्टिकल की एनर्जी, ये अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है अल्फा पार्टिकल की, और ये मेरे पास में पोटेंशियल बैरियर है V, ये V, इस पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू और काइनेटिक एनर्जी और अल्फा पार्टिकल जिस पॉइंट से बराबर हो जाती है, मान लीजिए आर वन पॉइंट पर बराबर हो जाती है, क्या बराबर हो गया, पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी थी, V इज इक्वल टू के जेड माइनस टू ई डिवाइड बाई आर, किसके बराबर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कहां पे बराबर हो रही है, आर वन पे, तो मैं इसको आर वन, जहां पर ये बराबर हो जाता है यहां तक का मैं
पोटेंशियल कंसिडर करूंगा, उसके आगे वाले को मैं पोटेंशियल बैरियर नहीं मानूंगा। तो उसके बाद तो एक बार पार्टिकल बाहर निकल गया, अब कोई इश्यू नहीं है। तो यहां तक का मेरा पोटेंशियल बैरियर है, कौन सा आया पोटेंशियल बैरियर? पोटेंशियल बैरियर मेरे पास में ये है, ये मेरा पोटेंशियल बैरियर। और ये पोटेंशियल बैरियर देखो कॉन्स्टेंट हाइट का नहीं है, इसकी हाइट चेंज हो रही है। जब इसकी हाइट चेंज हो रही है तो मेरा ये जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। पहले तो मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा ऊपर ही लिख देता हूँ, ये जो नीचे वाली होल क्वांटिटी है इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, पावर क्या हो जाएगी माइनस वन। एंड इसके अंदर पोटेंशियल देखो वी नॉट, वी नॉट क्या होगा मैक्सिमम पोटेंशियल, दिस इज मैक्सिमम पोटेंशियल वी नॉट, ये वाला पोटेंशियल वी नॉट मैक्सिमम पोटेंशियल। वी नॉट के कंपेरिजन में E कितना है? बहुत स्मॉल है, E is very small than V naught। तो मैं इस 1 को क्या कर सकता हूँ? Neglect कर सकता हूँ, 1 can be neglected। तो हमारा ये जो formula है वो क्या हो जाएगा? Since, दिख रहा है इधर वाला? नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना? हाँ। Since V naught is greater than E, तब तब मैं क्या कर सकता हूँ? ये neglect हो जाएगा, 1 can be neglected। तो मेरा क्या हो जाएगा? E is equals to, अब ये whole quantity जब नीचे है तो मैं इसको ऊपर लिख सकता हूँ क्या? 4E V naught minus E divided by V naught square multiplied by, ये जब ऊपर आएगा ये क्या हो जाएगा? Sin hyperbolic minus square beta A। ठीक है, लिखा जा सकता है, ये तो हट गया, ये हट गया। तो ये क्या 4E ऊपर चला गया, V naught minus E ऊपर चला गया, V naught square नीचे रह गया, और साइन हाइपोलिक स्क्वायर बीटा ए जो है उसको साइन हाइपोलिक स्क्वायर साइन हाइपोलिक माइनस टू माइनस हो जाएगा, स्क्वायर ऊपर आते ही माइनस टू हो गया, बीटा ए लिखा जा सकता है। अब इसमें भी गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ क्या हो रही है? ये फॉर्मूला वर्क करेगा कब? वर्क करेगा जब कॉन्स्टेंट पोटेंशियल, कॉन्स्टेंट हाइट का पोटेंशियल हो। मेरा हाइट चेंज हो रही है, जब मेरी हाइट चेंज हो रही है तो फिलहाल तो चलिए मैं इसको पहले तो साइन हाइपोलिक बीटा को मैं चेंज करता हूँ, चलो यहां तक लिखो फिर आगे मैं बताता हूं। इसको यहां तक लिखो, अगर आप क्वांटम में आगे कर दो ना बहुत अच्छी चीज है क्वांटम, आप समझोगे तो बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। लिख लेते हो तो मुझे बता देना भाई। ये समय हो गया, ठीक है। कुंदन यस सर, यस सर, यस, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं इस चीज को, मेरा फॉर्मूला आया ये, अब यहाँ पर याद करो, मैं भूल जाता हूँ, आप लोगों से बार बार पूछता हूँ। साइन हाइपरबोलिक थीटा को हम लिखते हैं e टू दी पावर थीटा माइनस e टू दी पावर माइनस थीटा, इस तरह से कुछ लिखा जाता है, याद करो। साइन हाइपरबोलिक थीटा जो है वो होता है ई टू दी पावर थीटा माइनस ई टू दी पावर माइनस थीटा बाई टू, ठीक है, ये होता है जहां तक मुझे याद आ रहा। हो सकता है कि मैं गलत हूं, है ना, मैं तो हर बार ही गलत रहता हूँ। अब आप लोग मुझे बताओगे, क्योंकि देखो मैंने कई बार ऐसा कहा है कि मैं गलत हूं, आपको मुझे करेक्ट करना है कि क्या मैं सही हूं या इसमें कुछ करेक्शन है। वो आप लोग पढ़ा करो, पूरे दिन में आपकी एक क्लास होती है, बाकी टाइम तो फ्री हो, पढ़ के मुझे बताना इसमें क्या आएगा। तो मैं यहाँ पर भी इसको काम में लेता हूँ, क्या लूंगा मैं? साइन हाइपरबोलिक बीटा ए है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? साइन हाइपरबोलिक बीटा ए मेरे पास वैल्यू आएगी वन बाई टू
ब्रैकेट में e टू दी पावर क्या थीटा की जगह क्या हो जाएगा बीटा ए माइनस ई टू दी पावर माइनस बीटा ए, ठीक है, और स्क्वायर रेज टू पावर माइनस टू माइनस माइनस टू, ठीक है, लिखा जा सकता है। अब इसमें से यूं करते हैं हम इसको को अब क्या करें, इसको अब आगे हम मेरा यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, देखो इसको डायरेक्ट ही कर लेता हूं, पोटेंशियल ज्यादा है तो एक क्वांटिटी मेरी इसमें से नेगलेक्ट हो जाएगी, कैसे नेगलेक्ट हो जाएगी, बिकॉज मेरा पोटेंशियल बीटा क्या चीज है, बीटा इज रूट टू एम वी नॉट माइनस ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, है ना, और वी नॉट कितना है E से बहुत बहुत ज्यादा है, जब E से V नॉट बहुत बहुत ज्यादा है तो बीटा जब मेरा ज्यादा हुआ तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कौन सी वाली E टू दी पावर माइनस बीटा A जो क्वांटिटी है वो नेगलिजिबल, E टू दी पावर माइनस X, E टू दी पावर माइनस X का ग्राफ बनाते हैं, X और E टू दी पावर माइनस X का ग्राफ बनाते तो ये एक्सपोनेंशियली डिके है, तो ये क्वांटिटी एक्सपोनेंशियली डीके है, इसको मैं नेगलेक्ट कर सकता हूं, जब मैं इसको नेगलेक्ट कर देता हूं तो मेरे पास में पीछे क्या रहेगा, देन मेरे पास में रह जाएगा इज इट इक्वल टू माइनस टू यहां पर आ गया तो ये हो रह जाएगा वन बाई टू ई टू दी पावर माइनस टू बीटा ए, ये मेरे पास है वैल्यू है। अब इस वैल्यू के अंदर अब देखो यहां पर जो भी हम कर रहे हैं ना कि हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया या इससे पहले इसको वन को नेगलेक्ट कर दिया, तो ये बेसिकली हम अप्रोक्सीमेशन काम में ले रहे हैं, चाहो तो मैं इस पूरी वैल्यू को काम में ले सकता हूं, उससे रिजल्ट में नो डाउट रिजल्ट ज्यादा इंप्रूव होगा, लेकिन हमारा रिजल्ट हमारा यहां तक काम चल सकता है तो हम इसलिए इसको काम में ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आया साइन हाइपोटेनस माइनस टू बीटा ए की वैल्यू आ गई वन बाई टू ई टू दी पावर माइनस टू बीटा ए, ये वैल्यू मैं यहां पर रख लेता हूं तो मेरा ये हो गया फोर ई वी नॉट माइनस ई अपॉन वी नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई इसकी जगह वैल्यू आ गई वो और उस पर वन बाई टू आ रहा है तो वन बाई टू से या फोर एक मेरा कैंसिल हो गया टू पीछे रह गया देन मल्टीप्लाइड बाई ई टू दी पावर माइनस बीटा ए। ये फॉर्मूला मेरे लिए सही नहीं है, क्यों नहीं सही है, क्योंकि यहां पर बीटा में क्या है कॉन्स्टेंट पोटेंशियल है, जबकि हम क्या कह रहे हैं हमारा पोटेंशियल किस तरह का है, पोटेंशियल कॉन्स्टेंट नहीं है, पोटेंशियल दोनों तरफ डीके हो रहा है, पोटेंशियल वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी के बराबर है, तो इस वैल्यू को मैं ये नहीं लिख सकता हूं, तब मेरा पोटेंशियल क्या हुआ तब मेरा ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा टी इज इक्वल टू टू ई वी नॉट माइनस ई डिवाइड बाई वी नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट में माइनस बीटा ए। बीटा ए वास्तव ए क्या है विड्थ और बीटा क्या हो गया बीटा है ई माइनस सॉरी वी नॉट माइनस ई है ना और वी क्या है हमारा इज अ फंक्शन ऑफ आर तो यहां पर मैं इसको लिखूंगा माइनस इस चीज को इंटीग्रेशन ऑफ बीटा की वैल्यू ये बीटा की वैल्यू वी नॉट क्या है अब वी नॉट मेरा फिक्स नहीं है वी इज अ फंक्शन ऑफ आर तो रूट टू एम ब्रैकेट में वी इज अ फंक्शन ऑफ आर माइनस ई डिवाइड बाई एच क्रॉस स्क्वायर ये हुआ बी की वैल्यू रखी मल्टीप्लाइड बाई ए अब मैं ए नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं इंटीग्रेशन कर रहा हूं और ए चेंज हो रहा है किस पर डी आर ए की जगह क्या हो जाएगा डी आर इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां तक इंटीग्रेशन है तो जो अभी हमने लिमिट निकाली थी कौन सी आर नॉट जहां से बेरियर स्टार्ट हो रहा है कहां तक जा रहा है आर वन तक तो आर वन तक ये मेरा पूरा फॉर्मूला बना ये वाला जो मुझे अल्फा पार्टिकल के लिए ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट उसकी प्रोबेबिलिटी बता रहा है एंड दिस प्रोबेबिलिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू वन ना तो ये वन के बराबर है और ना ही जीरो है इसीलिए प्रोसेस रैंडम प्रोसेस है लिख लीजिए इसीलिए हमारा प्रोसेस
रैंडम प्रोसेस। अभी जो हमारा ये जो टॉपिक कर रहे थे, ये टॉपिक था हमारा अल्फा डीके, एक्सप्लेनेशन ऑफ अल्फा डीके यूजिंग पोटेंशियल बैरियर क्वांटम टनलिंग इफेक्ट। ई क्या चीज है? ई पार्टिकल की टोटल एनर्जी। वी नॉट क्या है? वी नॉट है पोटेंशियल बैरियर, मैक्सिमम बैरियर एट दी बाउंड्री। वी नॉट इज अ मैक्सिमम पोटेंशियल बैरियर एट बाउंड्री। एंड वी आर क्या है? पोटेंशियल एट पॉइंट आर। वी आर इज अ पोटेंशियल एट पॉइंट आर। वी नॉट इज अ पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल एट बाउंड्री। ई इज अ टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल। एम मास। अब मास किसका? अल्फा पार्टिकल का या प्रोटोन का? इट इज अ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी दो प्रोटोन का मास है ये। R नॉट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। R1 वो पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल बिकम्स इक्वल टू द हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर। ये सारे पॉइंट है इसमें। इसके ऊपर न्यूमेरिकल अब यहाँ पे तो अभी तक तो आया नहीं है न्यूमेरिकल। वैसे मुझे अच्छा लगता है इससे अगर हम न्यूमेरिकल करते हैं तो। उनको लिख लीजिएगा भैया, E, V नॉट, M, V R, H क्रॉस स्क्वायर। ये क्या है? बिकॉज ये क्या है कि नहीं एग्जाम में भी लिखने भी चाहिए कि जो सिंबल्स है उन सिंबल्स के मीनिंग क्या है। सिंबल्स के मीनिंग क्या है और इनकी यूनिट क्या है? लाइक अभी मैं अगर आप लोगों से पूछूं, E जो हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, टोटल एनर्जी, उसकी यूनिट क्या है? क्या वो जूल में है? क्या वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है? क्या वो किसी और यूनिट में है? किस में है? तो यहाँ पर जो हम एनर्जी काम में ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यस, यहाँ जो हम एनर्जी काम में ले रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम काम में ले रहे हैं। हो गया? यस सर। चलो मीटिंग ओवर हो रही है तो मैं वापस नई मीटिंग चलो एक दो मिनट और बता देता हूँ। एक और ये अभी हमने बात की थी अल्फा डीके की, इसी तरह से एक दूसरा और है, वो है हमारा, अगर मैं किसी सरफेस को, किसी मेटल को, किसी मेटलिक सरफेस को अगर मैं बहुत ज्यादा कोल्ड करता हूँ, उसको मैं ठंडा करता हूँ, तो ठंडा करने पर भी उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिशन स्टार्ट होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होने लग जाता है। सुपर कूल्ड अगर मेटल सरफेस है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टार्ट होता है। एमिशन ऑफ और इजेक्शन ऑफ, एमिशन कहो, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सेकंड इसका एग्जांपल, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from cooled metal surface। एक आपकी metal surface है, like आपके पास है ना, मतलब धातु की plate है, कोई भी लोहे की plate है ना, या aluminium की plate है, उसका आपने temperature down करते रहो। जैसे जैसे उसका temperature down जाएगा, -100 -200 तक गया है ना, जैसे जैसे temperature down जाएगा -70 डिग्री -30 डिग्री, तब क्या होगा? उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना लग जाता है। और वो इलेक्ट्रॉन भी क्यों निकल रहा है? ये जो अभी हमने किया था क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग के कारण निकलता है। तो द मीटिंग ये ओवर करता हूँ, नेक्स्ट मीटिंग अभी मैं वापस स्टार्ट करता हूँ, उसके अंदर हम बात करेंगे जो अभी तक हमने पूरा यूनिट पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा था, एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं। इसका टाइम हो गया, नहीं तो हमारा मैं इसको और कंटिन्यू करता।